हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ एचआरएम के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो है जॉब एनालिसिस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने में जॉब एनालिसिस एक फंडामेंटल टूल की तरह वर्क करता है। काफ़ी बेसिक पार्ट होने के बावजूद स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू मेरा यही प्रयास है कि मैं उन सभी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकूं और इजी लैंग्वेज में जॉब एनालिसिस का प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकूं। तो अब बात करते हैं जॉब एनालिसिस की। सबसे पहले एनालिसिस को देखते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का केयरफुली निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, ऑब्जर्वेशन करना और उससे रिलेटेड ईच एंड एवरी पार्ट को डिटेल में समझना। तो जब जॉब एनालिसिस की बात होती है तो जॉब एनालिसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी डिफरेंट जॉब्स हैं तो उस प्रत्येक जॉब को एनालाइज किया जाता है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है इनको देखा जाता है, पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट के बारे में पता किया जाता है और इस ऑब्जर्वेशन से, इस स्टडी से जो इंफॉर्मेशन निकल कर आती है उसको दो पार्ट में प्रस्तुत करते हैं। पहला पार्ट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड दूसरा पार्ट होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। यानी जो जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन है वो जॉब एनालिसिस के थ्रू निकल कर आता है। हम जॉब एनालिसिस को जॉब डिस्क्रिप्शन प्लस जॉब स्पेसिफिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब एनालिसिस का ही पार्ट होता है। अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है उसको पता करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है जॉब को डिस्क्राइब करना। जॉब का नेचर क्या है, कैसी कंडीशंस में जॉब करनी है, कैसी सिचुएशन में जॉब को परफॉर्म करना है, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं जॉब में, क्या क्या टास्क परफॉर्म करनी है जॉब के अंतर्गत, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सबको एक रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड करना जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है, जो कि जॉब एनालिसिस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो एक रिटन लिस्ट होती है जो कि पर्टिकुलर जॉब की, पर्टिकुलर पोजीशन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करनी है उस पोजीशन पर, उन सबको पॉइंट आउट करती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि एक जॉब के अंतर्गत हमें क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, किस सिचुएशन में परफॉर्म करने हैं, बट इन सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिस इंडिविजुअल की ज़रूरत है उस इंडिविजुअल में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या विशेषताएं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिससे कि वो इंडिविजुअल उन सभी टास्क को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से परफॉर्म कर पाए, इसे जॉब स्पेसिफिकेशन के जरिए बताया जाता है। सो जॉब डिस्क्रिप्शन रिलेटेड है जॉब की इंफॉर्मेशन से और जॉब स्पेसिफिकेशन रिलेटेड है जॉब होल्डर की इंफॉर्मेशन से। जॉब स्पेसिफिकेशन एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें जॉब होल्डर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए जो कि किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए आवश्यक है, उनको मेंशन किया जाता है। जॉब स्पेसिफिकेशन में कैंडिडेट की नॉलेज, उसकी स्किल्स, उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी एबिलिटीज, जो भी उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनको मेंशन किया जाता है। जो जॉब स्पेसिफिकेशन है ये भी जॉब एनालिसिस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन दोनों ही जॉब एनालिसिस के बाई प्रोडक्ट हैं, या कह सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब एनालिसिस का निचोड़ हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि जॉब एनालिसिस इज कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग दिस इंफॉर्मेशन इनटू टू पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब ये जॉब एनालिसिस किया क्यों जाता है, क्या महत्व है इसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या महत्व है इसका एचआर मैनेजर के लिए, उसको समझते हैं। जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। जो जॉब एनालिसिस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्रेमवर्क होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो डिज़ाइन होती है, यानी कि डिफरेंट पोजिशन और डिफरेंट फंक्शंस के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होती है उसको डिफाइन करने के लिए जॉब एनालिसिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जॉब एनालिसिस के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी पोजीशंस होती हैं, जितनी भी जॉब्स होती हैं, उनके सभी फंक्शंस, सभी टास्क और
उन जॉब्स की दूसरी जॉब्स के साथ में जो रिलेशनशिप है उन सब के बारे में डिटेल में पता चलता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन को और ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क को समझने में प्रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट है कि जॉब एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि जॉब एनालिसिस के थ्रू पता चलता है कि पर्टिकुलर पोजीशन पर किस इंडिविजुअल को हायर करना है, उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या एबिलिटीज होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग जब ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमें किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है उसका मतलब होता है राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट पीपल को, राइट स्किल्स को अवेलेबल करवाना। और ऐसा करने के लिए जॉब एनालिसिस का यूज़ करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो जॉब एनालिसिस का यूज़ होता है वो होता है रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन के टाइम पर। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोजीशन ओपन होती है उसको जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू क्लियर किया जाता है कि उस पोजीशन पर क्या क्या वर्क होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उस पोजीशन की, और जिस कैंडिडेट की ज़रूरत होती है, जिस स्किल वाले, जिस एबिलिटी के साथ में कैंडिडेट की ज़रूरत होती है उसको जॉब स्पेसिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई किया जाता है। ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट के टाइम पर भी जॉब एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जॉब एनालिसिस से ही हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर पोजीशन के क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही ओरिएंटेशन का और प्लेसमेंट का प्रोग्राम परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है द नीड ऑफ जॉब एनालिसिस इन करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग के टाइम पर भी जॉब एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जॉब एनालिसिस से जितनी भी पोजीशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके बारे में क्लियरिटी होती है। जॉब एनालिसिस के थ्रू सभी जॉब्स का, सभी पोजीशंस में जो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी है, उनका एक क्लियर आइडिया हो जाता है, जो कि करियर प्लानिंग में काफ़ी हेल्प करता है। जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन के थ्रू ही करियर को प्लान करना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि पता होता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है खुद को ग्रूम करने के लिए, खुद के करियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सो दैट कि जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, नेक्स्ट पोजीशंस हो, उसमें परफॉर्म होने वाली टास्क को इफेक्टिवली परफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट है ट्रेनिंग के लिए जॉब एनालिसिस की ज़रूरत। जॉब एनालिसिस जॉब से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को बताता है, यानी जॉब में किन किन टास्क को परफॉर्म करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उस पर्टिकुलर जॉब की। यदि इन टास्क में, इन रिक्वायरमेंट्स में, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कहीं पर भी कोई कमी पाई जाती है, ऐसे केस में ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रेनिंग की नीड का पता करने के लिए जॉब एनालिसिस का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जॉब इवेल्यूएशन रिक्वायर्स जॉब एनालिसिस, यानी कि जॉब इवेल्यूएशन के लिए भी जॉब एनालिसिस की ज़रूरत होती है। ये जॉब इवेल्यूएशन क्या होता है? जॉब इवेल्यूएशन का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स की रिलेटेड वर्थ को पता करना, उनकी वैल्यू को पता करना। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके की कई जॉब्स होती हैं, उनकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को पता करने के बाद ही उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग सैलरी को डिटरमाइन किया जाता है, सैलरी प्रोवाइड की जाती है। सो जॉब इवेल्यूएशन रिलेटेड है सैलरी के डिटरमिनेशन से, सैलरी को डिटरमाइन करने से, और जॉब एनालिसिस रिलेटेड है जॉब की क्वालिटीज़, जॉब की रिक्वायरमेंट और जॉब की इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने से। पर्टिकुलर जॉब पर, पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या क्या वर्क किए जा रहे हैं उसी से उसकी वैल्यू को मेजर किया जाता है, और पर्टिकुलर पोजीशन क्या वर्क परफॉर्म कर रही है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीज़ें जॉब एनालिसिस से ही पता चलती हैं। यानी कि जॉब एनालिसिस में उस जॉब पर क्या क्या काम करना है, जिस इंडिविजुअल को काम करना है उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसका पता किया जाता है, और जॉब इवेल्यूएशन में जॉब की वैल्यू का पता किया जाता है कि कौन सी जॉब की वैल्यू ज़्यादा है और किस जॉब की वैल्यू कम है, जिससे सैलरी को डिटरमाइन करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको उनकी जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस है उसके अगेंस्ट में मेज़र करना, उसके अगेंस्ट में कंपेयर करना, जिससे कि एम्प्लॉयज़ की इफ़ेक्टिवनेस और उनकी कमियों, दोनों चीज़ों का पता चल सके और उसी के अकॉर्डिंग रिमेडियल एक्शंस लिए जा सके। अभी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, यानी कि जो
एक्चुअल परफॉर्मेंस दी गई होती है एम्प्लॉयज़ के द्वारा, उसको मेजर किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। जो जॉब एनालिसिस होता है उसी के थ्रू पता चलता है कि कैंडिडेट को क्या क्या वर्क करना है, उसकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, जिसके अगेंस्ट में जो उनकी करेंट परफॉर्मेंस होती है उसको कंपेयर किया जाता है। सो जो जॉब एनालिसिस है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए एक बेसिक नीड है। नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन एम्प्लॉय सेफ्टी। जॉब एनालिसिस के थ्रू पता चलता है कि पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, किन सिचुएशन में इस जॉब को परफॉर्म करना है, किन सिचुएशन में इस पोजीशन पर वर्क करना है, क्या स्ट्रेस लेवल है इस पोजीशन का और किस तरीके के हैजार्ड्स का सामना करना पड़ सकता है इस पोजीशन पर, और उसके थ्रू ही रेमेडियल एक्शन लिए जाते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी होती है वो जॉब एनालिसिस पर ही बेस्ड होती है, क्योंकि जॉब एनालिसिस से पता चलता है कि इस पोजीशन पर क्या रिस्क हैं और उन रिस्क को कवर करने के लिए सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। इन सभी पॉइंट से ये साफ समझ में आता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लगभग सभी फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए जॉब एनालिसिस एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। लगभग सभी फंक्शंस जैसे कि प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन, ये सभी जॉब एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं जिनमें जॉब एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। सो जो जॉब एनालिसिस है दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। इसीलिए जॉब एनालिसिस की प्रोसेस को काफ़ी सावधानी के साथ में किया जाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यदि जॉब एनालिसिस में ही कहीं पर प्रॉब्लम रह गई, कहीं पर भी गलती रह गई, ठीक से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं किया गया, ठीक से जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर नहीं किया गया, तो आगे की जितनी भी प्रोसेस होंगी जो कि जॉब एनालिसिस पर डिपेंड हैं, जॉब आगे के जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन होंगे जो कि जॉब एनालिसिस का यूज़ करते हैं, वो सभी फंक्शन बैडली इफेक्ट होंगे और इफेक्टिव आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो अब हम जॉब एनालिसिस के प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द नीड ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस की प्रोसेस में सबसे पहले जॉब एनालिसिस का जो रिलेवेंस होता है उसको समझना होता है, जिसे मैंने अभी अभी डिस्कस किया है। देन आइडेंटिफाइंग द पर्सन एंड प्रोसेस टू कंडक्ट इट। जॉब एनालिसिस की इम्पोर्टेंस का पता करने के बाद में जॉब एनालिसिस को परफॉर्म करने वाले पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाता है और प्रोसेस को कन्फर्म किया जाता है। पर्सन को कन्फर्म करने के बाद में यानी कि एनालाइज जो करेगा इंडिविजुअल उसको कन्फर्म करने के बाद में प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जॉब एनालिस्ट को। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद में जॉब एनालिसिस की जो एक्चुअल प्रोसेस होनी है उसको स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट करने में डाटा को कलेक्ट किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है इस डेटा का, और उसको वेरीफाई किया जाता है एंड उसका रिव्यू किया जाता है कि सभी इंफॉर्मेशन करेक्टली कलेक्ट की गई हैं या नहीं। उसके बाद में इस इंफॉर्मेशन के आधार पर ही जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर किया जाता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। यदि जॉब एनालिसिस के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रीसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।